भीड़ में धनंजय पंकजा की प्रतिष्ठा दांव पर, बजरंग सोनवाने और प्रीतम मुंडे के बीच होगा मुकाबला। लोकसभा चुनाव के गढ़ पर कब्जा करने के लिए भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अब अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा तो दी है। भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने एक ही दिन में एक ही समय में रैलियां निकालकर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता धनंजय मुंडे ने जिला प्रशासन और पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें सभा के लिए वांछित स्थान नहीं मिला। बाद में उन्होंने रैली में ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे की आलोचना की। उधर भाजपा ने भी प्रदेशाध्यक्ष की उपस्थिति में रैली निकाल कर सभा का आयोजन किया। बीड सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बजरंग सोनवाने और भाजपा से प्रीतम मुंडे के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन असल में धनंजय और पंकजा मुंडे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 1984 में राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना के बाद पहली बार बीड लोकसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस के टिकट पर जय सिंह राव गायकवाड़ 4,25,000 वोट लेकर जीते थे। प्रीतम ने किया पलटवार दूसरी और भाजपा की सभा में प्रीतम मुंडे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि मैं अपने संसद में दिखाई नहीं देता। ऐसा आरोप लगाने वाले बताए कि अगर ऐसा है तो मैंने क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय तथा राज्य मार्ग के काम कैसे पूरे हुए हैं। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।